एलजी के नोटिस पर संजय सिंह का पलटवार हुआ है। संजय सिंह ने मानहानि का नोटिस ही फाड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संजय सिंह ने और दिल्ली के एलजी के नोटिस को प्रेस के सामने फाड़कर फेंक दिया। संजय सिंह ने मानहानि के नोटिस को फाड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कैसे ये नोटिस फाड़ा, तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें संजय सिंह यहां पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और एलजी विनय सक्सेना का जो मानहानि का नोटिस है वो दिखाते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी और प्रेस के सामने इस नोटिस को फाड़कर फेंक दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरह से एलजी के नोटिस का मान नहीं रखा गया, एलजी के नोटिस की धज्जियां उड़ा दी गई। मानहानि का ये नोटिस था। दरअसल आम आदमी पार्टी ने काफी आरोप खुद एलजी पर लगाए और ऐसे में मानहानि का आरोप एलजी ने आम आदमी पार्टी पर ठोका। पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, जरा विस्तार से बताइए, इतना गुस्सा संजय सिंह को कि मीडिया के सामने जवाब देने के बजाय मानहानि के नोटिस को वो फाड़ते हुए फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एलजी के ऊपर नए आरोप उन्होंने लगाए और ये कहा कि जब वो खादी ग्रामीण उद्योग के अध्यक्ष थे तो वहां पर बहुत सारे लोगों को 4 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे जिन्हें बैंक से पैसा देना था, लेकिन वो बैंक से पैसा ना देके कैश दिए जा रहे थे करीब 2.5 लाख लोगों को। उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी तो उन्होंने एक मानहानि का नोटिस दिखाया जिसमें ये कहा कि जब भी उपराज्यपाल के ऊपर कोई आरोप लगाए जाते हैं या उनसे जवाब मांगा जाता है तो वो इस तरीके का नोटिस भेज देते हैं, लेकिन क्योंकि वो सांसद है और उन्हें सवाल पूछने का अधिकार है और साथ ही अपनी बात रखने का अधिकार है तो ऐसे नोटिस को कुछ नहीं मानते। ये कहते हुए उन्होंने वो नोटिस फाड़ दिया जो संजय सिंह को पहले भेजा गया था। असल में ये जो नोटिस है जो उपराज्यपाल की तरफ से मिला है संजय सिंह को, बने रहेगा हमारे साथ। दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। हरीश जी, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि एलजी पर पहले आरोप लगाया था संजय सिंह ने, आज फिर से खादी ग्रामीण उद्योग के जब वो अध्यक्ष थे उस दौरान किस तरह से कुछ भ्रष्टाचार किया गया ये आरोप लगाया और साथ ही मानहानि का नोटिस मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया, यानी कि किसी भी आरोप को अब आम आदमी पार्टी तोल नहीं दे रही है, ये कैसी सियासत? देखिए, जिस प्रकार से आज इन्होंने फाड़ा है इनका अहंकार दिखाता है और इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। आज जब पूरा हिंदुस्तान इनसे सवाल पूछ रहा है भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया के, तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। पेपर फाड़ने से कोई आपका आपका छिप नहीं जाएगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन तो नजर आ रही है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में तो देना पड़ेगा कुछ जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछली बार इन्होंने अरुण जेटली जी के टाइम पे या शीला दीक्षित के टाइम पे या पीजे धोनी के टाइम पे और बाकी नेताओं के टाइम पे इन्होंने माफी मांगी थी, इस बार माफी ना मांग के इस बार कोर्ट से इनको जो सजा मिलेगी उसको ये करेंगे, क्योंकि हर बार इनकी आदत है माफी मांगने की और ये माफी इस बार चलने वाली नहीं है, कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल हरीश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वाकई आम आदमी पार्टी का संजय सिंह का अहंकार बोल रहा है कि मीडिया के सामने वो उनके मानहानि के नोटिस को फाड़कर फेंक रहे हैं, आरोप तो लगाया जा रहा है वो अलग, सवाल इसलिए भी उठना लाजमी हो जाता है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती है, आरोप एक दूसरे पर नेता लगाते रहते हैं, लेकिन एलजी एक ऐसा पद है जो बहुत ही गरिमा योग्य पद है, कम से कम उनका सम्मान किया जाना चाहिए था। पहली बार नहीं कर रहे, आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी के टाइम पे भी उन्होंने ऐसे ही कुछ किया था। इनको पद से कोई लेन देन नहीं है, इनको सिर्फ अहंकार से है। जितने भी संविधानिक पद हैं इन्होंने उनके उनका अपमान किया ही है, कभी कभी न्यायालय का अपमान करते हैं, कभी सीवीसी का अपमान करते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं। आपने हर बार देखा है कि जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला आता है और इनके खिलाफ कोई बात जाती है उनका अपमान करना तो इनका धर्म बन गया है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने राष्ट्रपति के टाइम पे प्रणब मुखर्जी के टाइम तक के टाइम पे इन्होंने प्रणब मुखर्जी की बेइज्जती की थी, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी, चलिए आपकी प्रतिक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत पर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को दिखा देते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा क्या, ये भी एक बार सुन लीजिए। बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है, किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। किसी चोर भ्रष्ट
तो आप देखिए किस तरह से संजय सिंह बोल रहे हैं और काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि ऐसे नोटिसों से मैं डरने वाला नहीं हूं, 10 बार फाड़कर फेंक दूंगा। पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, ये नोटिस मानहानि का जो विनय सक्सेना ने जारी करवाया था, इसमें किन किन का नाम शामिल था? संजय सिंह काफी ज्यादा आक्रोशित जब नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? देखिए, इससे पहले ये नोटिस दुर्गेश पाठक को, सौरभ भारद्वाज को और पार्टी के कई विधायकों को भेजा गया था, उनमें संजय सिंह का नाम भी शामिल था। और ये उपराज्यपाल के ऊपर जब पहले आरोप लगाए गए थे, वो खादी ग्राम उद्योग के जब अध्यक्ष थे, उसी को लेकर इनके ऊपर कई आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी। उन्हीं आरोपों को लेकर कि नोट उन्होंने बदलवाए, 1400 करोड़ रुपए का के नोट थे, और इस तरीके के जो आरोप लगे उसे लेकर विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ था, और उसी को लेकर मानहानि का नोटिस उपराज्यपाल ऑफिस की तरफ से इन तमाम नेताओं को भेजा गया था। संजय सिंह ने आज नए आरोपों के साथ इस नोटिस को फाड़ा और ये कहा कि वो सच्चाई सामने लाते रहेंगे, और जो नए आरोप थे वो भी खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए थे। आदमी पार्टी की तरफ से फिर से एलजी को लेकर नया विवाद, नए आरोप। पुलकित, जानकारी लेते रहेंगे आपसे, धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए।